जिला जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, तमाम जनप्रतिनिधि और SDM से लेकर अधिकारियों को कोई सूचना दी आपने? जी सूचना सर सभी को दे दी है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया है अभी तक। यहाँ के जिला अध्यक्ष से बात हुई? जी बात हुई थी, हमारी जो जिला अध्यक्ष है उनसे बात हुई, उन्होंने बात की थी, कोई ज्ञापन सबको दिया है, SDM सर को भी दिया है, विधायक मैडम क्या भी दे के आए हैं, थाने में भी दे के आए, सब जगह दिया है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आया यहाँ अभी तक। लगता है ऐसा बहन हो गई कि आज हमारा 10वां दिन है हड़ताल का, किसी भी मतलब नेता या किसी का भी हमारे पास या अधिकारी ये नहीं कहा है कि ये काम प्रभावित हो रहा है या आप काम पे चलो या आश्वासन दिया है, कुछ भी नहीं कहा हम लोगों से। हमें तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी को किसी ने मना करके रखा हो कि भाई आप वहाँ जाना नहीं है। यहाँ तक कि पार्षद भी जितने BJP की हैं, विधायक मैडम भी हैं, राकेश जाधव सर भी हैं जो BJP जिला अध्यक्ष हैं, वो लोग भी हम लोगों से मिलने नहीं आए। ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? हम लोग भी जवाब चाहते हैं, हमारी ये बात मुख्यमंत्री जी तक जाए। आज सब इन कि हम लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ के रखा है यहाँ पर? कांग्रेस के नेता तो हम लोग मतलब समर्थन नहीं दिया रहे, हम किसी को पर्सनली बुलाने नहीं जा रहे कि आप हमारे पास आओ बैठो हमारा सपोर्ट करो। ये लोग भी तो आ सकते हैं ना, ये लोग भी तो बोल सकते हैं ना। आज गंजवासुरा में जो धरना हो रहा है, क्या विदिशा जिले के तमाम आशाकर्ता आपके साथ? हाँ हमारे साथ सभी हैं, और हमारे ये प्रदेश स्तरीय संगठन है, सारी प्रदेश में सारे ब्लॉकों में अलग अलग जगह बैठी हैं। ये हमारा वासुदा और त्योंदा के दोनों को मिला के हम आ सब यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ आए इनका सहयोग करने के लिए, क्या मांग है आप? हमारी जो आशा बहनों की मांग है, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, उनको 2000 रुपये में उनका पूरा नहीं होता, इसलिए आज वो धरना प्रदर्शन करके बैठी हैं यहाँ पे। उनका हम समर्थन में, हम लोग कितना लोग भी आए हुए हैं उनके समर्थन में, और क्या हमारी आशा बहनें बहुत परेशान हैं, उनको ठीक से तनख्वाह पानी नहीं मिल रही है, उनका गुजारा नहीं चल रहा है उतने में, उनकी मांगे पूरी करे सरकार, उनको 2000 की जगह 10,000 रुपये माह का तनख्वाह बढ़ाए, उनकी उनको तरक्की करें। की रूपरेखा है, अभी तो हम यहीं पर बैठे हैं हड़ताल पे, इसके बाद हम भोपाल जाएंगे 2 तारीख से, अभी यहाँ यहीं पर बैठे हुए। आज हमारे समर्थन में हमारी बड़ी दीदी आई हैं, लेकिन हमारी सरकार अभी भी जागरूक नहीं हो रही, हमारे पास कोई भी प्रतिनिधि नहीं आ रहा है कि हमसे कोई बात करने यहाँ पर आ रहा हो। चलते दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, घर गृहस्थी चलाना बहुत कठिन परिश्रम। हम लोग निश्चित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए, हम लोग उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी और हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा, और वेतन हमारा 10,000 होना चाहिए। अभी तक कोई आश्वासन आया आपको? कोई आश्वासन नहीं आया, कोई हमारे पास मिलने ही नहीं आया है, हमारे पास विधायक मैडम अभी तक नहीं आई है।